तो हमने देखा कि कंपनी का पूरा ध्यान अपने रेवेन्यू के लिए, वो एक लार्ज रेवेन्यू इनकम तो चाहती है, लेकिन वो इस रेवेन्यू को रेगुलेट करने के झमेले में, असेसमेंट में, रेवेन्यू के कलेक्शन में वो नहीं पड़ना चाहती थी। उसका सिर्फ एक ही पर्पस था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से हम लोग यहाँ से बेनिफिट कमा सके, चीप रेट में यहाँ पे कॉटन और सिल्क क्लोथ को खरीद करके और उसको खरीदे, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। इधर 1865 के पहले कंपनी इंडिया से जो भी सामान परचेस करती थी तो उसको वो अपने गोल्ड और सिल्वर से पे करती थी, लेकिन जब से ये दीवान बन गए बंगाल के, उसके बाद ये जो भी चीज़ें परचेस करते थे उसको यहाँ से ख़रीदते थे चीपली रेट पे और फिर उसको जो है उसको एक्सपोर्ट कर देते थे बाहर के देशों में, अपने देशों में उसको एक्सपोर्ट कर देते थे। और बदले में, क्योंकि रेवेन्यू से जो भी इनको इनकम होता था वही रेवेन्यू वो यहाँ पर बंगाल में सामान को ख़रीदने में दे देते थे, तो इनको बाहर से कुछ भी पैसा लेना नहीं पड़ता था। अभी क्या है कि बंगाल जो है अब इतना कुछ होने लगा कि मतलब अब पूरा सिस्टम ऐसा हो गया कंपनी का, क्योंकि दीवानी बनने के बाद अब इनको अपना गोल्ड और सिल्वर लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इंडिया का सामान परचेस किया यहीं के रेवेन्यू से और उसको वापस ले जाके एक्सपोर्ट भी कर देते थे, तो इनको बहुत ज़्यादा पैसा, इनका फाइनेंस जो है बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग होता गया। इधर बंगाल की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डीप क्राइसिस में फेस उलझती गई, बंगाल की इकोनॉमी डाउन होती गई। जो आर्टिस्ट थे जो वो अपने गाँव को डिजर्ट करने लगे, गाँव को छोड़ छोड़ के जाने लगे और उनको फोर्स किया जाता था कि वो बहुत ज़्यादा जो वो सामान बना रहे हैं अपने हाथों से, जो वो बना रहे हैं उसको लो प्राइस पे सेल करें। जब वो नहीं कर पाते थे तो वो अपने विलेजेस से डिजर्ट कर जाते थे, गाँव को छोड़ के चले जाते थे। पीजेंट्स के साथ क्या हुआ कि पीजेंट्स वे ऑल्सो अनेबल टू पे द ड्यूज, पीजेंट्स भी अपने ड्यूज़ को पूरा नहीं कर पाते थे, जो उनसे ड्यूज उनसे जो मांगा जाता था। जो आर्टिसनल प्रोडक्शन था वो भी डिक्लाइन होने लगा, एग्रीकल्चर से जो कल्टीवेशन था वो भी कोलैप्स होने लगा। ऊपर से 1770 में एक वहाँ पे फेमिन अकाल पड़ गया, जिससे 10 मिलियन पीपल यानी कि लगभग अबाउट 1 करोड़ पीपल जो है उससे उनकी डेथ हो जाती है।